हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप? तो देखिए, प्यारी प्यारी सी बटरफ्लाई है जो कि मेरे घर के आंगन में आई है, फूलों पे बैठी है। तो आप लोग भी देख लीजिए, और फूलों के साथ बिल्कुल छुप गई हैं ये भी। तो काफ़ी इस फूल से उस फूल पे जाके शहद चूस रही हैं, रस चूस रही हैं इनका। तो बहुत ही प्यारी सी चीज़ लग रही थी मुझे, तो फिर मुझे लगा कि चलो इसको भी कैप्चर कर लेती हूँ। मैं बाहर आई तो ये फूलों पे बैठ रही थी। और अभी देखिए, आसमान जो है बिल्कुल साफ है और धूप उप जो है खिली खिली सी आ रही है। थोड़ा सा सुबह में मौसम लग रहा था कि धूप नहीं आएगी, लेकिन बाद में फिर आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए, धूप जो है वो निकल गई है और सारा काम जो है अब शुरू होगा मेरा। तो और यहाँ पे देखिए, मैं आपको नीचे ले चल रही हूँ थोड़ा सा कुछ दिखाने के लिए। तो ये हमारे घर के आगे डॉगी बैठते हैं, इनका नाम रामू है। तो आपको देखिए, मैं किसी से मिलाने ले चल रही हूँ। ये देखिए, मेरे नन्हे मुन्ने से प्लांट है यहाँ पे। और ये देखिए, दो थोड़े से बड़े हैं, साथ में हुए थे, और ये एक छोटा सा बेबी अभी ये। तो अभी आप लोग बताइएगा कि ये किस चीज़ का प्लांट मैंने लगाया है यहाँ पे। हिंट दे दिया है कि ये सब्जी की ही कोई प्लांट है ये। और यहाँ पे देखिए, पीछे मार्केट है, तो थोड़ा सा अभी सुबह का टाइम है, और सामने सरकारी स्कूल है। तो बच्चे देखिए यहाँ पे सब बैठे हैं, और कुछ योगा का कार्यक्रम चल रहा है इनका। और यहाँ पे देखिए, मैं नहा धो के पूजा उजा कर ली हूँ, और हमारी जो तुलसी मैया उनकी भी पूजा हो गई है। और बाहर ये अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरा जल नहीं पाता है, तो उसको मैंने अलग से कटोरी में मतलब जला दिया है ताकि वो जलता रहे। और ये देखिए, सारे प्लांट जो है मेरे ये हैं, और सब खिले खिले हैं। अभी मौसम अच्छा है, इनके अनुरूप है, तो सब हेल्दी अभी बने हुए हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तभी सिकुड़ने लग जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, नाश्ता बच्चे कर रहे हैं, तो नाश्ते में देखिए ये खा रहे हैं मैगी, क्योंकि छुट्टी है इनका, तो छुट्टी में वाले दिन इनको चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैगी खा रहे हैं, और ये बेटा जो है वो मेरे से बोल रहा है कि आप वीडियो बना रही हो, आप भी खा लो। तो मैंने बोला रुको, भी खाती हूँ, थोड़ा सा तुम लोगों को पहले कैप्चर कर लेती हूँ यहाँ पे। तो बस अब मैं भी चलती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ, और फिर उसके बाद कई सारे काम हैं, तो फिर आपको दिखाऊँगी कि क्या काम हम लोग करने वाले हैं। और ये देखिए, ये मेरे बेटे ने एरोप्लेन बनाया है, और इसमें मैसेज डाला है, और ये सारा कुछ इसमें डाला है कि जैसे कभी किसी को इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो किस तरह से देते हैं, एरोप्लेन बना के उड़ा दो और उसमें सब कुछ अपना जो भी है इन्फॉर्मेशन वो डाल दो। तो ये जो लगे हुए हैं यहाँ पे, तो बस ये इनकी ये कारस्तानी छुट्टियों वाले दिन चलती रहती है कुछ ना कुछ। तो वह मैंने आपको दिखाया ये। और ऐसे ही बेटी ने भी बनाया, तो बेटी का तो एकदम प्लेन है, तो बस इनकी ये मस्ती चल रही है। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, और आज मैं बना रही हूँ सिंपल दाल चावल, और साथ में ब्रोकली है मेरे पास पड़ी हुई। तो कई दिन हो गई थी, 3-4 दिन हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो आज इसको ख़त्म ही कर देती हूँ, नहीं तो ऐसे पड़े पड़े ही ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कटोरी में 4 चम्मच मैंने बेसन ले लिया था, और 2 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, और नमक हल्दी मसाले जो होते हैं डालने के लिए मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाउमीन का मसाला, कोई ये ज़रूरी नहीं है, मेरे पास बहुत दिन से पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट देखती हूँ कैसा है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसका घोल जो है वो रेडी कर रही हूँ, पकौड़े वाला घोल है ये, तो इसको रेडी कर लूँगी और रेडी करके छोड़ दूँगी, अभी नहीं बनाऊँगी, थोड़ी देर बाद ही बनाऊँगी। तो ये देखिए, ब्रोकली है मेरी, तो इसको मैंने पानी में भिगा के छोड़ दिया है। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए, मैं इसका जो होता है अपना दाल का फ्राई करने के लिए, तो यहाँ पे मैं प्याज लहसुन जो है वो सब इसको चॉप कर लूँगी। और उसके बाद रेडी करके मैं इधर आ गई हूँ, तो ये इनका होमवर्क मिला हुआ है, कुछ एक्टिविटी है कंप्यूटर का, तो बस वही चार्ट पेपर इनको दे रही हूँ बना के, ताकि ये अपना काम करते रहें, नहीं तो नहीं दूंगी तो फिर ऐसे ऐसे घूमते ही रहेंगे, इनके पास बहाना रहेगा कि मम्मा आपने तो दिया ही नहीं तो कैसे करूँ। तो बस वही चल रहा है, मैंने बोला चलो पहले चार्ट पेपर इसका रेडी कर देती हूँ, तो पूरे चार्ट पेपर में नहीं बनाना था इसको। तो एक्टिविटी मिलती रहती है बच्चों को, कुछ ना कुछ देते रहते हैं स्कूल से, तो ठीक है, बच्चे इंगेज भी रहते हैं, नहीं होने से तो बिल्कुल ये सोचते हैं कि क्या करें क्या करें। और क्या, तो फिर वही मैं इसको रेडी करके दे रही हूँ। और यहाँ पे चार्ट पेपर जो है मैंने इनको फाड़ लिया है, A3 साइज का चार्ट पेपर है, फाड़ा है मैंने इनको, और इस पे
सेलो टेप चिपका दे रही हूँ। सेलो टेप मीन्स जो डेकोरेशन वाला आता है ना, कलरफुल वाला, वो चिपका दूँगी। थोड़ा सा बॉर्डर वॉर्डर अच्छा लगता है। वैसे तो बॉर्डर बना भी लेते हैं ये, कुछ ना कुछ गोला बिंदी करके डिज़ाइन विजाइन दे के बना लेते हैं। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, थोड़ा सा टेप लगा देती हूँ और अच्छा लगेगा। तो बस वही करके मैं इनको दे दूँगी, अपना काम करते रहेंगे और उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगी घर का। तो फ्रेंड्स, अभी जनवरी चल रहा है और 7 तारीख हो चुकी है, तो 1 महीने बाद इनके पेपर ऊपर शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत तैयारी भी शुरू करनी पड़ेगी इनकी, नहीं तो फिर इकट्ठा क्या हो जाता है, बहुत सारा काम हो जाता है पढ़ाई से रिलेटेड, तो नहीं हो पाता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं बीच में कराती रह रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, किचन में आ गई हूँ और खाना बनाने का टाइम हो गया है, 12 बज रहा है अभी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दाल के फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी और बन भी गई है। दाल को मैंने कैप्चर नहीं किया है वीडियो में। और यहाँ पे पकौड़े जो है वो बना रही हूँ मैं, क्योंकि इनको खाना वाला दे दूँगी, टाइम से खा लेंगे, छुट्टी वाला दिन है। तो बस यहाँ पे बना रही हूँ, इसको ख़त्म करना था मुझे, नहीं तो फिर बाद में इसका कुछ बनाती। और मैंने सोचा चलो बना के इसको ख़त्म कर देती हूँ। दाल चावल के साथ अच्छा लगता है कभी कभी इसको खाना। तो बस देखिए, हमारे जो पकौड़ी है वो बन गई है एक बार की, और काफ़ी अच्छी बनी है और क्रिस्पी भी है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर का यूज़ हुआ है और चाउमीन मसाला डाल दिया है, तो उसका फ्लेवर थोड़ा अलग आया है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अभी खाएंगे तो पता चलेगा, बाकी देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। और यहाँ पे दूसरी बार का भी जो है वो भी मैंने बना दिया है, डाल दिया है इसमें, और ये भी बन जाएंगे। और बेटी आ गई थी पूछने के लिए, तो सारा दिन ऐसे ही लगा रहता है। और फ्रेंड्स देखिए, ये है शाम का टाइम है और यहाँ पे देखिए, बच्चे जो है पिज़्ज़ा मंगाए हैं, बोल रहे हैं कि आज सैटरडे है तो आज हम भी कुछ खाना चाहते हैं। तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने टाइम बना रखा है कि इतना जल्दी जल्दी नहीं खाना है। तो बस ये मतलब हो गए हैं, 1.5 महीने हो गए हैं, तो मैंने बोला चलो मंगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए, कार्टून भी चल रहा है और साथ में पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा जो ब्लॉग है वो ख़त्म होता है, और आई होप आप लोगों ने पसंद किया होगा।